हेलो। तो अभी मम्मी तोड़ने आई हैं ये तुरई के पत्ते। हाँ, इसी में लौकी के भी पत्ते हैं। ये वाले जो मुलायम पत्ते होते हैं वो लौकी के होते हैं, और ये देखिए जो खुरदुरे होते हैं थोड़े से वो होते हैं नेनुआ के पत्ते। ये देखिए चलिए इनको अच्छे से धो लेते हैं और भगवान जी को भी भोग लगाने के लिए देते हैं। अरे तो पहले 3 गो पतैया पर निकाल देते हैं, नहीं रख दें अब भगवान जी के, फिर निकाल देते हैं कटोरी में भगवानों जी के लगा दें। तो स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो चलिए एक और फल पूरा करते हैं। आई अपने ले जाए कम से कम। अरे कर निकल, पानी ले ले नीना। चलिए अभी हम खाना दे के आते हैं और फिर मिलते हैं। और मैं आगे जो भगवान जी के भगवान जी के बाद जाए लक्ष्मी जी बाड़ी, लक्ष्मी जी भुखाई ले बाड़ी है। 3 बार पकौड़ा अच्छी चिराई बा। हमारे कब ते निहारत आपकी ओर के, आप हमारे ओर निहारे राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक। मंदिर वो बनवा देती हो, ऊपर का निकलवा देती हैं। तो यहाँ पे लग गया है खाना और अम्मा के पापा के लिए। तो ये देखिए ये रम्या के पापा के लिए। यहाँ पे रम्या कर रही है पढ़ाई। रम्या हाँ। रम्या अभी तुम जो अभी तो स्टार्ट नहीं की, बस थोड़ा सा ये हेडिंग नीचे से डालना। वाह वाह, खाना तो खा लो, पढ़ने में इतना लीन हो गई हो क्या बेटा? चलो खाना खा लो। तो खाना खाने के बाद रम्या के पापा सो गए हैं और मेरा बच्चा अभी भी कर रहा है पढ़ाई। और जैसे कि आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, वो जो उनकी मतलब लड़की हैं तो वो आ जाती हैं, दी मतलब चाची कभी सूट काट दीजिए, चाची कभी साड़ी का ब्लाउज मतलब ब्लाउज काट दीजिए, हम लोग स्टिच कर लेंगे। तो फिर बताना पड़ता है क्योंकि ये भी एक कला है, ये सबको नहीं आती है। तो वही मैं काट रही थी, मतलब एक ब्लाउज काट के देना था, उनको सिलना होगा नवरात्रि के लिए। तो कल से तो मैं सारा सिलाई बंद कर दूंगी, मतलब कल से नवरात्रि में मैं ना सुई नहीं चलाती हूँ, मतलब कैंची नहीं चलाती हूँ। तो जो भी मुझे स्टिच करना होगा सब कुछ मुझे आज ही करना है। थोड़ी देर में मैं अभी रेडी होंगी अपने दूसरे काम के लिए, तो तब तक अभी मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि काम करके मैं इतनी थक गई कि मेरे को खाना नहीं खाया जा रहा है, सोचिए।
तो थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, फिर शाम का खाना शाम को देखेंगे। तो आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग, ये जो भी मैंने बनाया है, वो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो हेलो जी, अभी जो है वो हो चुकी है, एक मिनट में पंखा बंद कर दूँ तो सुनाई देगा, शाम। और शाम क्या मतलब, ज़्यादा ही शाम हो गया है। पूरा आंगन साफ़ हो गया है, पूरा घर मैंने क्लीन किया है, क्योंकि कल जो है कल से नवरात्रि शुरू होगी, तो हम माता रानी को अपने घर बुलाएंगे। और जो भी होगा वो आप कल की वीडियो में देखिएगा कि कैसे हमने क्या किया है। तैयारियाँ तो अच्छा, कोई आता है ना तो मेरे कान ऐसे नहीं होते, खड़े हो जाते हैं गलियारा की तरफ, दिमाग चला जाता है। तो कल से पूरा मतलब झाड़ू देखिए, पूरा क्लीन, पूरा साफ़ कर दिया है, बस पोछा मारना है और थोड़े बहुत कपड़े हैं वो फोल्ड करने हैं, बाकी मशीन लगा के पूरा क्लीनिंग करनी है, ये कपड़ों की, कपड़े धोने हैं वॉशिंग मशीन में, तो बहुत सारे काम हैं। और बगल में ना गया जी, जो भी लोग गए थे, तो बहुत सारे लोगों के ना घर में भोज है, तो कई लोग ना गाना बजाना भी किए हैं, तो इसीलिए ना साउंड बॉक्स बज रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसके बाद मैं वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए लगता है लाइट कटी है, तो साउंड बॉक्स जो है वो बंद हुआ है। और वहाँ जो पीछे दिख रहा है ना आपको, वो रम्या का पिन बोर्ड है, जो गोलू ने उसको गिफ्ट किया था, उस पर उसने बहुत सारी चीज़ें लगा के रखी है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ, एक मिनट दिखाती हूँ। ये रम्या का सब कुछ है, जो पढ़ती लिखती रहती है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वही उसने पिन करके रखा है, कुछ बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये विज्ञान का लग रहा है, साइंस का कुछ ना कुछ लग रहा है, क्योंकि वो देखने से लग रहा है कुछ बनाया है उसने। और बाकी उसके बारे में डिटेलिंग भी करके रखी है, किडनी, लीवर, सब कुछ बनाया है उसने, तो वो जमा करना है आई थिंक, उसको सबमिट करना है, तो वही बना बना के ना वो पिन की हुई है। और ऐसे ही बस दिनचर्या चल रही है। तो आप लोग बताइए, आप लोग की नवरात्रि की तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी होनी बाकी है। मैं भी कमेंट में स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझसे किसी ने पूछा कि दीदी आप गया जी कब गए थे और कितना खर्चा आया था, डिटेल में बताइएगा। हम 2016 में गया जी गए हुए थे, 2016 या 17 मतलब, नहीं 16 ही है, मुझे एग्जैक्टली याद है। तो तब हम गए थे, तो जो वहाँ पे जाने का खर्चा आप अभी के हिसाब से तो 50 to 80,000 तक लगा लीजिए। वहाँ पे जो पंडित जी लोग होते हैं, जो भी पूजा पाठ कराते हैं, उसके बाद में एक मेन पंडा जी होते हैं, जो मांगने को तो जैसे 50,000 मांगते हैं, लेकिन आपके अपने ऊपर है कि आप कितना देते हैं। तो और हमारे वो घर पर भी आए थे अनाज लेने के लिए, तो हमने घर में अनाज भी उनको दान किया हुआ था, जैसे एक बोरी चावल, एक बोरी गेहूँ, ऐसे करके, और बाकी जो है वो पैसे दिए थे। और जो भोज होता है, वो भोज कराने से पहले ना आपको एक सेजिया दान टाइप की चीज़ करनी पड़ती है, जो हमारे तरफ के लोग होंगे वो समझेंगे, जहाँ पे बिस्तर मतलब हर चीज़, घर की हर चीज़, लालटेन, गैस, चूल्हा, छाता, चप्पल, जूता, कपड़े, सोना, चांदी, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। तो हमने स्वर्ण दान, चांदी का दान, पीतल दान, तांबा दान, हर तरीके का दान होता है, तो वो सब हमने किया था। तो 2 लाख रुपए मान लीजिए, लेकिन हाँ आप कम में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो 10 लाख में भी करते हैं, तो अपने इच्छा शक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं। तो उस टाइम हम लोग का यही 1.5 से, हमें उधर बार बार इसलिए देख रही हूँ, शाम का समय है, तो एक जो गो होती है ना, जो गो किसको बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं नहीं पता है, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और उनके ना 4-5 बच्चे हो गए हैं, तो दिन भर मेढक पकड़ने आ रही हैं, तो इसीलिए मेरे को नज़र रखना पड़ता है कि वो कहीं घर में ना आ जाए। हालांकि घर में कभी आई नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश वो लोग करती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद में जो है वो भोज कराया जाता है गाँव में, तो आपके ऊपर है कि आप कितना खिलाना चाहते हैं, मतलब इच्छा शक्ति के अनुसार। मेन होता है गया जी जाके पूजा करना, और आके आप 5 पंडित भी खिला दीजिए ना, तो उतना ही वो मिलता है, लेकिन हाँ आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से करते हैं। तो हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से किया था, और जैसे कि बोलते हैं ना लोग कि बड़े बेटे कहाँ के, छोटे बेटे कहाँ के, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ पे सब लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ही किया था, हमको ये सौभाग्य मिला था, क्योंकि हम चाह रहे थे ये चीज़ करना, सालों की हमारी तैयारी थी, सोचते सोचते बहुत टाइम भी हो गया था पिताजी को गए हुए, मुझे लगता है
पाँच, बीस, तीस, पैंतीस, चालीस वालीस साल हो गए, 40 साल की लगभग, 40 साल नहीं मतलब 38 साल लगभग हो गए हैं शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया था तो हमने ये चीज़ कर दिया है, इसीलिए हमारे यहाँ पितृपक्ष वो नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ क्योंकि धीरे धीरे साउंड बॉक्स बजना शुरू हो गया है, तो रात होते होते पूरा हल्ला मच जाएगा हमारे यहाँ पे, तो मैं वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मिलती हूँ कल आप सबसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए नवरात्रि पूजा के साथ। तो तब तक के लिए नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ, माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करें।